अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, सी प्लस प्लस में ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है। ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर सिंपल होता है और ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड पर। ऑपरेशन अरिथमेटिक हो या कंपेरिजन हो, मतलब या प्लस माइनस डिवाइड ज़रब हो मॉडुलस हो या कंपेरिजन हो, किसी एक चीज़ को किसी वीडियो को दूसरी वीडियो से कंपेयर करना पड़ हो, मतलब ये ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है ये जमा करता है, ये दोनों ऑपरेंड है, एक्स और वाई ऑपरेंड है, जेड भी ऑपरेंड है। एक्स और वाई अरिथमेटिक, ये प्लस जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये एक्स और वाई को जमा करता है। और ये असाइनमेंट जो है ये भी ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट का काम करता है। इससे जो वीडियो आती है ये जेड को असाइन होती है। ये मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि ये दोनों साइड बराबर है। इक्वल का मतलब ये होता है प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में इक्वल साइन का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है राइट साइड वाली ये लेफ्ट वाली को असाइन करो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड को असाइन होगी, जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई को असाइन नहीं होगी। यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है ये ऑपरेंड है और ये प्लस और इक्वल जो है ये ऑपरेटर है। सी प्लस प्लस जो है इसमें ये बहुत से ऑपरेटर सपोर्ट करता है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है ऑपरेटर की। ये से यूनरी ऑपरेटर जो है ये सिंपलेस्ट ऑपरेटर है और यही से लेकर कॉम्प्लेक्स टर्नरी ऑपरेटर तक, जो टर्नरी ऑपरेटर मतलब तीन ऑपरेंड वाली ये जो ऑपरेटर है वही तक सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। और ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर एक्सप्रेशन इवॉल्यूएट नहीं होगा। मतलब एक एक्सप्रेशन लेके आए प्लस माइनस नहीं है तो इससे क्या करेंगे, बस वही तरह स्ट्रिंग के तरह नज़र आएगा, इससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। ऑपरेटर के बगैर कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेटर की एग्जांपल है सी प्लस प्लस में जो हम इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू, एक वेरिएबल को दूसरी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू को एक वेरिएबल को असाइन करता है। इक्वल साइन इस्तेमाल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। मिसाल के तौर पर वेरिएबल ए इक्वल टू 55, यहाँ पर हमने वेरिएबल ए लिख क्या है 55, इसको असाइन हो जाएगी। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 55 एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसको वेरिएबल ए को असाइन करो। द राइट साइड वैल्यू जो है इस तरह होता है प्रोग्रामिंग में, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू को असाइन होगी। द असाइनमेंट ऑपरेशन जो है ये हमेशा राइट से लेफ्ट साइड तक होती है। यहाँ पर वेरिएबल ए को वेरिएबल बी की वैल्यू असाइन होगी। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम है, आपको असाइनमेंट का पता चल जाएगा। इंट वेरिएबल ए हमने ली है, वेरिएबल बी ली है, वेरिएबल ए की वैल्यू 100 है, मतलब ए को 100 असाइन करो तो ये इसकी वैल्यू भी बना और इनिशियलाइज भी हो गया वेरिएबल ए, और इसका वैल्यू है और 100 इसको असाइन भी हो गया, वेरिएबल बी को 400 असाइन हो गया। सी आउट वेरिएबल ए वेरिएबल ए की वैल्यू स्क्रीन पर आएगी, बाद में इन लाइन प्रिंट होगा, बाद में वेरिएबल बी की वैल्यू आएगी, आउटपुट इस तरह आएगा वेरिएबल ए 100 वेरिएबल बी 400। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे साथ यही है, एडिशन के लिए प्लस इस्तेमाल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार जो निशान है, क्योंकि कीबोर्ड में हमारे साथ एक्स होता है मल्टीप्लाई के लिए, ये मैथमेटिक्स में हम एक्स लिखते हैं, असल में स्ट्रेक है, इसको हम स्ट्रेक कहते हैं, ये स्टार भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है और ये शिफ्ट एड के साथ आता है। डिवीजन के लिए ये डिवीजन वाले साइन है, और मॉडुलस जो है ये रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये पांच ऑपरेटर जो है सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होता है और वो ये है, यहाँ पर जो टेबल में परसेंटेज साइन का मैंने कहा मॉडुलस है, ये मॉडुलस जो है रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करते हैं, इससे अगर रिमाइंडर जीरो आया तो ये मॉडुलस है इसकी, अगर वन आया कुछ और वैल्यू आया तो इसे मॉडुलस कहते हैं और ये वही वैल्यू को असाइन करता है मॉडुलस। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रिमाइंडर एक वेरिएबल है, रिमाइंडर हमने
रिमाइंडर को हमने 11 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू असाइन की है, मतलब 5 टू जार 10, तो रिमाइंडर 1 आया। ये 1 वैल्यू रिमाइंडर को असाइन होगी, रिमाइंडर वेरिएबल है, ये कोड का एक हिस्सा भी है। हमने अगर पूरा प्रोग्राम लिखे, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं तो एंटर रिमाइंडर लिखना और डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बाद में रिमाइंडर इक्वल टू 11 माइनस 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रोग्राम है, आपको समझ आ जाएगी। एंड ए हमने लिए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 5, एंड सम सम को ए प्लस बी की वैल्यू असाइन होगी, एंड डिफरेंस भी है। यहाँ पर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है, डिफरेंस की ए माइनस बी, प्रोडक्ट की ए जीरो बी है, फ्लोट फिर है ए डिवाइड बी बाई बी है, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर में ए डिवाइड बाई बी की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर में से होगी। सम इक्वल टू सम डिस्प्ले होगा, आउटपुट इस तरह सम इक्वल टू 16, डिफरेंस इक्वल टू 6, प्रोडक्ट इक्वल टू 55, डिवीजन इक्वल टू 2.0, रिमाइंडर इक्वल टू 1। आप ये प्रोग्राम खुद भी लिख के कंपाइलर में अब चलाए, इसमें एरर नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ा चेंज करें, आपको मॉड्यूलस का भी पता चल जाएगा, डिफरेंस का भी, सम का भी। अच्छा, कंपाउंड और अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? यहाँ पर सी प्लस प्लस में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, और ये है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, जरब इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और मॉड्यूलस इक्वल टू। ये ऑपरेटर जो है ये वैल्यू मल्टीप्लाई करता है वेरिएबल की, इसके लिए ऑपरेंड की जरूरत होती है। दो ऑपरेंड इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक ऑपरेंड भी इस्तेमाल होता है प्लस प्लस, लेकिन वो सिर्फ प्लस प्लस के लिए। यहाँ पर प्लस इक्वल टू स्टेटमेंट का मतलब यही है, प्लस इक्वल टू का ए इक्वल टू ए प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू या कुछ वेरिएबल। तो हम शॉर्टकट इस तरह प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू, और बाकी का मतलब भी है, ए इक्वल टू ए माइनस 1, ए इक्वल टू ए जीरो 1 वगैरह। ये मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। अगर हम एक्स की वैल्यू मॉडिफाई करना चाहता है तो एक्स की वैल्यू हम इसके साथ वाई की वैल्यू जमा कर रहे हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू एक्स जमा वाई की, एक्स की पुरानी वैल्यू के साथ वाई जमा करके एक्स की वैल्यू इसके बराबर करो, एक्स की पुरानी वैल्यू के साथ वाई जमा करके एक्स को फिर असाइन कर दो। स्टेटमेंट का मतलब यही है। यहाँ पर हमारे साथ एक लिस्ट है कंपाउंड ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर की, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कुछ यू, और ये इस्तेमाल होता है इस वजह से। इसका ऑपरेशन ये है, एड वाई टू एक्स, सब्ट्रैक्ट वाई फ्रॉम एक्स, मल्टीप्लाई वगैरह। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्राम है, इसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की हमने डिटेल बताई है। यहाँ पर एंड वेरिएबल ए लिखा है, वेरिएबल बी लिखा है, वेरिएबल बी इक्वल टू 300, वेरिएबल ए की वैल्यू हमने नहीं दी है, ए को वेरिएबल बी की वैल्यू दी है। अब ए को हम मतलब ए को ए के साथ हम वैल्यू जमा करना चाहते हैं, तो इस तरह भी हम 200 जमा कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 200। ये स्टेटमेंट इस तरह भी हम लिख सकते हैं, वेरिएबल ए इक्वल टू वेरिएबल ए जमा 200, मतलब ए की पुरानी वैल्यू क्या है, वेरिएबल बी की जो वैल्यू है वो हमने ए को असाइन की है, तो ए की वैल्यू 300 है, और 300 के साथ 200 जमा करके ए को दोबारा असाइन करो, मतलब 500 ए की वैल्यू हो जाएगी। आउटपुट हमारे साथ इस तरह आएगा, वैल्यू ऑफ एडिशन आफ्टर एडिशन इक्वल टू 500। अच्छा, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है, इसको लिए एक अपेंड की जरूरत होती है, मतलब एक वेरिएबल की जरूरत होती है, और उस ये एक उस वेरिएबल की वैल्यू को वन जमा करता है या वन माइनस करता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर यह असर करता है, माइनस माइनस है तो एक माइनस करेगा उस वैल्यू से, अगर प्लस प्लस है तो एक जमा करेगा। मिसाल के तौर पर यह स्टेटमेंट इसका बराबर है कि ए वेरिएबल सी इक्वल वेरिएबल सी के साथ एक जमा करो, मतलब वेरिएबल सी हमारे साथ एक वेरिएबल है और हमने वेरिएबल सी प्लस प्लस लिखा, तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वेरिएबल की सी के साथ वन जमा करो। वेरिएबल सी प्लस प्लस इस
स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेरिएबल सी प्लस इक्वल टू वन, और उसका मतलब ये है वेरिएबल सी इक्वल वेरिएबल सी प्लस वन। तो सिंपल फॉर्म इसका ये है वेरिएबल सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस को यह नाम इस वजह से दी है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो सी प्लस प्लस इस वजह से इसको नाम दी है क्योंकि इसमें वन इस तरह आसानी से जमा होता है। और इसके और भी बहुत फायदे हैं क्योंकि वो इस तरह भी लिख सकते थे वेरिएबल सी इक्वल टू वेरिएबल सी प्लस वन, लेकिन इस प्लस प्लस के और फायदे हैं आपको बाद में पता चल जाएगा आप हाई प्रोग्राम कोडिंग करें। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की दो ऑपरेटर की दो किस्में और भी है, एक प्रीफिक्स है और एक पोस्टफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब ये है बिफोर, बिफोर मतलब यूज करो और बाद में वीडियो असाइन करो। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स फ्रॉम द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीसीड देयर ऑपरेटर, मतलब यहाँ पर प्लस प्लस एक्स हमने लिखा है तो जब तक वन जमा नहीं होगी ए की वीडियो किसी और वेरिएबल को असाइन नहीं होगी, जब तक इसके साथ वन जमा नहीं होगी पहले इसके साथ ऑपरेशन किया जाएगा, पहले इसे इस्तेमाल किया जाएगा बाद में असाइन होगी। और माइनस माइनस जेड का मतलब यह है कि जेड से एक वैल्यू माइनस करो बाद में इसे असाइन करो अगर आप कुछ भी लिख के लेंगे। ये सबसे पहले है और इसका प्रेजेंट टेंस सबसे ज़्यादा है हमारे साथ। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट प्रीफिक्स का एग्जांपल है एंड एक्स इक्वल टू फाइव इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स फॉर्म एक्स प्लस प्लस एक्स इंक्रीमेंट माइनस माइनस एक्स इंक्रीमेंट एंड सीआउट में डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू सिक्स आई है, ये वैल्यू फाइव भी आ सकती थी बाद में इसके साथ एक्स के साथ वन जमा होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस एक्स है तो पहले वैल्यू बढ़ाई गई है बाद में इसे स्क्रीन पर आउटपुट दी गई है। इंक्रीमेंट में फोर आई है, माइनस वन पहले हो चुका है बाद में डिस्प्ले हो चुका है। अगर ये एक्स प्लस प्लस थे या एक्स माइनस माइनस था तो पहले इसकी वैल्यू फाइव आए स्क्रीन पर डिस्प्ले होती बाद में इसकी वैल्यू जो है चेंज होती एक माइनस होती या जमा होती। एंड पोस्टफिक्स इस तरह होता है एक्स प्लस प्लस तो पहले इसकी वैल्यू असाइन होगी बाद में इस्तेमाल होगी। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्राम है इसमें आपको दोनों की समझ आ जाएगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। एंड एक्स इक्वल टू 25 वाई इक्वल टू 25 एक्स प्रिंट करेगा वाई भी प्रिंट करेगा 25 25 स्क्रीन पर आएगा। प्लस प्लस एक्स और माइनस माइनस वाई मतलब एक्स के साथ एक जमा करो बाद में डिस्प्ले करो तो 26 डिस्प्ले होगा। बाद में जो है वाई की वैल्यू 24 डिस्प्ले होगी। फिर लाइन ख़त्म हो जाएगी एंड लाइन हमने लिखा है प्रीफिक्स है ये बिफोर मतलब ये पहले इस्तेमाल हुआ बाद में साइन हुआ, मतलब जो इस्तेमाल हुआ सीआउट जो है वो 26 आएगा या 24 बाद में 26 फिर आएगा 24 फिर आएगा। फिर पोस्ट पे जो है अब इसकी वैल्यू फिर 26 होगी और इसकी वैल्यू फिर 24 होगी। हमने y माइनस माइनस लिखा है लेकिन इसे 1 माइनस नहीं होगा और x के साथ प्लस नहीं होगा, ये होगा लेकिन जब तक ये फ्रेंड नहीं होगी बाद में इसकी वैल्यू जो है ये बदल होगी। सीआउट जो है अब x और वैल्यू पहले 25 है लास्ट में जो है ये 27 और 23 है और इससे पहले 26 24 है, मतलब वही तरीके से x और y की वैल्यू आई है और बाद में बदल हो गई है और पीस आउट में इसकी जो वैल्यू चेंज हो गई है वो डिस्प्ले होती है। आखिर स्टेटमेंट में हमने वैल्यू के साथ कुछ नहीं किया है, पहले वाला चेंज जो है इसे इसलिए पोस्टफिक्स कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं कंपेरिजन के लिए, दो वैल्यू के साथ वेरिएबल के साथ कंपेरिजन बताता है कि इसके बराबर है या नहीं है, इससे बड़ी है छोटी है, इसके बराबर है छोटी है, इसके बड़ी है और इसके बराबर है कुछ भी है। और इसका रिजल्ट जो है ये ट्रू फॉल्स में आता है, मतलब 01 फॉर्म में आता है। यहाँ पर हमारे साथ टेबल है ग्रेटर देन लेस देन, आप इसकी स्क्रीन शॉट ले रहे हैं आपको पता चल गया है। हाँ हमने ऑपरेशन क्या है इसका काम यही है, इसका काम यही है और इसका सिंटैक्स यही है, असेंबल इसके लिए यही है और ऑपरेटर का नाम यही है। यहाँ पर हमारे साथ एक कोट है 7 = 5। हम जब प्रोग्रामिंग में इक्वल लिखते हैं तो डबल असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और ये इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वन आएगा
7 equal to 5 ये गलत है, ये true नहीं, ये false है। यहाँ पर 0 आएगा, 5 is greater than 4, ये true है, true आएगा, 3 is not equal to 2, 3 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है true value आएगा, 6 is greater than or equal to 6, ये भी true है, 5 is less than 5, ये false है, 0 आएगा बाद में, और ये पहले वाली वैल्यू 1 1 देगा, ये पहले वाला गलत मैंने लिखा है, true नहीं है, false है, और ये जो आउटपुट देता है ये 0 और 1 में देता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर लिखे, लॉजिकल नॉट है, एंड है, आर है, और टेबल से आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। लॉजिकल नॉट, नॉट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये बूलियन नॉट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब एक वैल्यू जब ट्रू है तो आप इसके साथ नॉट लिखे तो वो आपको उल्टा जवाब देगा, मतलब एक वैल्यू ट्रू है तो वो आपको फाल्स का जवाब देगा, अगर एक वैल्यू फाल्स है तो आपको ट्रू का जवाब देगा। इसके जवाब जो है मैंने कहा इनवर्स है, मतलब उल्टा है, और ये इस तरह इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो ये उल्टा आई है, ये शिफ्ट वन के साथ आता है। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्राम है, नॉट फाइव इक्वल टू फाइव, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फाइव इक्वल टू फाइव, लेकिन यहाँ पर हमने नॉट लिखा है तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये उल्टा चलता है। ये ट्रू है तो जवाब पास आएगा, मतलब ये जीरो हमें आउटपुट देगा। ये दूसरा वाला है, सिक्स इज लेस देन, तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू देगा, मतलब ये उल्टा है, और ये ट्रू जो है ये पास देगा, और ये पास जो है ट्रू देगा, क्योंकि उल्टा चलता है। लॉजिकल एंड क्या है? इसके लिए दो ऑपरेटर की जरूरत होती है, और ये टेस्ट करता है कि दोनों कंडीशन, ये कंडीशन के दरमियान जो है हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन है, दूसरी जगह भी एक कंडीशन है। अब दोनों कंडीशन को हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो हमें जवाब ट्रू दे दो। अगर एक भी कंडीशन पास है तो ये पास जवाब देगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा, अगर दोनों पास है तो भी पास देगा। यहाँ पर इस टेबल से आप पता लगा सकते हैं। लॉजिकल आर है, लॉजिकल आर जो है ये ऑपरेटर, इसके लिए दो कंडीशन की जरूरत होती है, दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, और ये भी कंडीशन चेक करता है, लेकिन अगर इसमें जो है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये वन ट्रू जवाब देगा, मतलब ये आउटपुट वन देगा। अगर दोनों पास है तो सिर्फ वही हालत में ये जीरो जवाब देगा, आउटपुट देगा, और अगर एक भी ट्रू है, दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है, तो ये वन आउटपुट देगा। और इस टेबल से आप इसका पता लगा सकते हैं कि पास आर किस तरह काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर आर कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्या है? इसको तीन ऑपरेंड की जरूरत होती है, और इसका ये कंडीशनल ऑपरेटर है। हमारे साथ यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, सवाल या निशान से पहले हम कंडीशन लिखते हैं, और बाद में जो है कोलोन का निशान लिखते हैं। कोलोन का मतलब यही है, इससे लेफ्ट साइड तक हम ट्रू की वैल्यू लिखते हैं, और इसके राइट साइड, कोलोन के राइट साइड हम पास की वैल्यू लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यही वैल्यू हमारे साथ आउटपुट करो, अगर कंडीशन पास हुआ तो यही वैल्यू हमारे साथ आउटपुट करो। यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं रिजल्ट वन, रिजल्ट टू, रिजल्ट वन, हमें रिजल्ट वन तब डिस्प्ले होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, रिजल्ट टू जो है ये कंडीशन के पास होने पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल है, 7 इक्वल टू 5, मतलब अगर 7 5 के बराबर है तो हमारे साथ पूरा जवाब दे दो, अगर 7 5 के बराबर नहीं है तो 3 डिस्प्ले करो। यहाँ पर 3 डिस्प्ले होगा क्योंकि 7 5 के बराबर नहीं है। 5 इक्वल टू 5 प्लस 2, ये भी गलत है तो 3 आउटपुट देगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर गलत है। 5 is greater than 3, ये कंडीशन ट्रू है, ये देगा जवाब, एक ही आउटपुट देगा क्योंकि 5 3 से ग्रेटर है। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्राम है, आपको समझ आ जाएगा। मेन के बाद हमने एंड एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ली है, x को 22 के बराबर लिए है, y को 77 के, z equal to x greater than y, z को इसकी वैल्यू के बराबर करो, मतलब यहाँ पर राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट है,
राइट साइड वाला जो है ये कंडीशन होगा, पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई चेक होगी कि एक्स ग्रेटर है वाई ग्रेटर है, तो इसमें तो वाई ग्रेटर है एक्स लेस है, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पर हमने इस तरह लिखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर यह ट्रू है तो एक्स एग्जीक्यूट करो, एक्स की वैल्यू जेड को असाइन करो, अगर ये फाल्स है तो वाई की वैल्यू जेड को असाइन करो, तो ये फाल्स है वाई की वैल्यू असाइन होगी, तो ग्रेटर वैल्यू इज आंसू वाई, जेड की वैल्यू को वाई की वैल्यू असाइन होगी और वाई की वैल्यू बड़ी है तो आउटपुट 77 आएगा। यूनरी बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सी प्लस प्लस की ऑपरेटर को तीन मेन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड की है, यूनरी बाइनरी और टर्नरी। यूनरी वो ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड लेता है, बाइनरी वो है जो दो ऑपरेंड लेता है, और टर्नरी ऑपरेटर वो है जो तीन ऑपरेटर लेता है। ये ऑपरेंड की बेस पर उन्होंने ये कैटेगराइज की है। यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर जो है इसे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, और ये सिर्फ प्लस माइनस जो है इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू माइनस वाई वगैरह, ए इक्वल टू प्लस बी, मतलब ए प्लस प्लस या एक्स माइनस माइनस, ये यूनिटरी ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट भी है, मतलब नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, ये भी एक ऑपरेटर की जरूरत है, नॉट एक्स नॉट एक्स ग्रेटर देन वाई। बाइनरी ऑपरेटर जो है इसे दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेशन करता है दो चीज़ों के दरमियान, दो चीज़ों को प्लस करता है, दो चीज़ों को माइनस करता है, एक चीज़ अकेला प्लस नहीं होता, माइनस नहीं होता, जरब नहीं होता, और ये जो है ये बाद में असाइन करता है वैल्यू को जब ऑपरेशन होती है, और इसके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, और दोनों सेट को ये वेरिएबल की जरूरत होती है, या एक एक साइड को कांस्टेंट और दूसरे साइड को वेरिएबल होती है, और वेरिएबल की वैल्यू होती है, और इसमें यही ऑपरेटर आते हैं कंपैरिजन वाला जो है, इसे भी दो ऑपरेंड की जरूरत होती है एक ग्रेटर, क्योंकि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के दरमियान, या बहुत ज्यादा चीज़ों के दरमियान होता है, या दो के, लेकिन दो खामखा जरूरत होती है, जरूरी होती है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वगैरह सब है, ये बाइनरी ऑपरेटर में आता है। टर्नरी जो है सिर्फ एक ही है, और वो है कंडीशनल ऑपरेटर जो हमारे साथ है, हमने पहले एग्जांपल दिए हैं, वो कंडीशन के पहले करता है सवाल, यानी चेक के पहले कंडीशन हम लिखते हैं, और बाद में कोलोन के लेफ्ट साइड के हम ट्रू की वैल्यू देते हैं, और कोलोन के राइट साइड को हम फॉल्स की वैल्यू देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू वाला साइड जो है एग्जीक्यूट होगा कोलोन का लेफ्ट साइड, और अगर कंडीशन पास है तो राइट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर की अहमियत, कौन सी ऑपरेटर की अहमियत ज़्यादा है, सबसे पहले कौन सा वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें।